वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. लास्ट वीक वी रीड अबाउट आवर फर्स्ट लेसन माई फैमिली एंड आई विल टोल यू वट इज फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली, वाई वी नीड फैमिली. एंड टूडे वी रीड नेक्स्ट लेसन माई एक्सटेंडेड फैमिली. माई मतलब मेरा, एक्सटेंडेड होता है बढ़ना, विस्तारित करना. फैमिली मतलब परिवार. People living together under a roof make up a family. They are closely related to each other and are called immediate family members. People living together. People क्या होते हैं? लोग. Living होता है रहना. Together होता है इकट्ठे. Under a roof एक ही छत के नीचे. Make up होता है बनाना. Family एक ही छत के नीचे जब लोग रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? Family बोलते हैं, परिवार बोलते हैं. They are closely related to each other and are called immediate family members. Immediate होता है तत्काल, एकदम से. जब आप किसी को बुला सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं? Immediate family members. They are closely रिलेटेड होता है संबंधित होना, टू ईच अदर एक दूसरे से. दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर एंड आर कॉल्ड इमीडिएट फैमिली मेंबर्स. जब जो परिवार के सदस्य एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं हम उनको अपनी सभी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इमीडिएट फैमिली मेंबर्स. जिनको हम एकदम से क्या है, वो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एकदम से हम उनको बुला सकते हैं. पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड समटाइम्स ग्रैंड पेरेंट्स मेक अप एन इमीडिएट फैमिली. इमीडिएट फैमिली में कौन कौन होता है? पेरेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, और कई बार क्या होता है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी क्या होते हैं, उस इमीडिएट फैमिली में हमारे साथ शामिल होते हैं. देयर आर सम मोर रिलेटिव्स ऑफ अवर्स हु डू नॉट स्टे विद अस. देयर आर सम मोर मतलब कि और भी कई सदस्य होते हैं हमारे साथ कई बार, लेकिन वो क्या है? नॉट स्टे विद अस. नॉट स्टे विद अस मतलब कि वो हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन वो होते क्या है? हमारी ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं. दे आर मेंबर्स ऑफ अवर एक्सटेंडेड फैमिली. वो कौन से मेंबर्स होते हैं? हमारी एक्सटेंडेड फैमिली के. एक्सटेंडेड फैमिली मतलब कि जैसे कि आपके, मान लो कि आपके परिवार में आपके जो चाचा चाची है वो आपसे सेपरेट रहते हैं, आपके मामा मामी है वो कहीं और रहते हैं, लेकिन वो है क्या है? आपके जो मामा मामी है वो आपके मदर के रिलेटिव है, ठीक है. जो दादा दादी है वो आपके पेटर्नल है, ठीक है. उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं. कौन कौन होता है एक्सटेंडेड फैमिली में? अंकल्स, आंट्स, कजन एंड नेफ्यूज मेक अप एन एक्सटेंडेड फैमिली. एक्सटेंडेड फैमिली में कौन से होते हैं? अंकल्स, चाचा, चाची, कजन आपके, चचेरी, भाई बहन एंड नेफ्यू, भतीजे, भतीजी मेक अप एन एक्सटेंडेड फैमिली. और वो क्या है? सारे जो जो लोग हैं ये एक्सटेंडेड फैमिली के ही सदस्य होते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द थिंग्स विच वी लर्न फ्रॉम अवर फैमिली एंड द चेंजेस डैट हैव टेकन प्लेस इन अवर सोसाइटी. सोसाइटी क्या होता है? हमारा समाज. यहाँ पे हम क्या है? रह रहे होते हैं. चेंजेस क्या होते हैं? बदलाव. लर्न क्या होता है? सीखना. वी विल रीड अबाउट, अबाउट होता है किसी के बारे में पढ़ना, के बारे में. थिंग्स होती हैं चीजें. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में पढ़ेंगे और हम अपने समाज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम एक समाज में और एक फैमिली में हम कैसे क्या सीखते हैं और एक परिवार आगे आगे कैसे ये बढ़ता है. फैमिली एंड सोसाइटी. फैमिली परिवार एंड सोसाइटी समाज. The family has many functions in a society. एक जो परिवार के हैं बहुत सारे काम होते हैं सोसाइटी में, समाज में. The function vary. Vary होते हैं अलग अलग. Functions होते हैं कार्य. From one culture to another. Culture होता है हमारा जो सांस्कृतिक, हमारा रहन सहन, खान पान. Another दूसरी जगह का. The function vary from one culture to another. जो जो हमारे ये कार्य होते हैं एक जगह से क्या है दूसरी जगह तक जाते हैं. The family is the basic unit of society. जो family है, जो परिवार है, ये basic unit है किसकी? समाज की. फैमिली हेल्प्स द चाइल्ड टू बिकम फेमिलर. फेमिलर होता है मतलब कि कैसे हमने समाज में रहना है. विद द कल्चर ऑफ देयर सोसाइटी. कैसे अपने आप को हमने उस कल्चर में, अपने समाज के रहन सहन में, कैसे हमने समाज में बैठना उठना है, ये सारी चीजें जो हम सीखते हैं वो हमारे कल्चर से रिलेटिव होती हैं. फैमिली इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी. सोशल प्रॉब्लम सच एज पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड unemployment have direct effect on your family life.
ठीक है, जो फैमिली होती है एक सोसाइटी का ही पार्ट होती है, जिसमें क्या होती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं समाज में। सभी एक जैसे नहीं होते, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई पढ़ा लिखा होता है, कोई अनपढ़ होता है, ठीक है, कोई नौकरी लगा होता है और कोई क्या होता है बेरोजगार होता है। डायरेक्ट इफेक्ट ऑन योर फैमिली लाइफ, और इन सब का क्या है आपकी फैमिली के ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। बोथ मेटर्नल एंड पेटर्नल फैमिलीज आर ए पार्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली। बोथ मतलब दोनों, मेटर्नल मतलब आपकी माता से जो संबंधित रिलेटिव होते हैं, आपके मामा मामी, आपके नाना नानी, ठीक है। एंड पेटर्नल फैमिलीज क्या होती है, जो आपके दादा दादी से, आपके पापा से रिलेटिव होती हैं। आर ए पार्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली, ये सारे क्या है एक एक्सटेंडेड फैमिली के पार्ट है। मेटर्नल रिलेटिव मीन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आवर मदर साइड ऑफ दी फैमिली। मेटर्नल रिलेटिव्स कौन होते हैं, जो हमारी मदर साइड से होते हैं, ठीक है, आपके नाना नानी, आपके मामा मामी, आपके मासी मौसर जी, ठीक है। दी मदर्स पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर आर कॉल्ड मेटर्नल रिलेटिव्स। मदर के जो रिलेटिव्स होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, उनको क्या हम बुलाते हैं, मेटर्नल रिलेटिव्स। पेटर्नल रिलेटिव्स मीन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अवर फादर साइड ऑफ दी फैमिली। और जो पेटर्नल रिलेटिव्स होते हैं वो हमारे फादर की तरफ से होते हैं, ठीक है, जिनमें हमारे दादा दादी, हमारे चाचा चाची, हमारे ताया ताई, हमारे जो कजन हैं, वो सारे जिनमें आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेटर्नल फैमिलीज रिलेटिव्स। दी फादर्स पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर आर कॉल्ड पेटर्नल रिलेटिव्स। जो फादर के पेरेंट्स होते हैं, ब्रदर्स होते हैं, उनकी जो सिस्टर्स होती हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, पेटर्नल रिलेटिव्स। स्पेशल फैमिली ओकेशंस, स्पेशल होते हैं विशेष, फैमिली होते हैं परिवार, ओकेशंस होते हैं अवसर। जब फैमिली में हम कोई भी फंक्शन करते हैं, जो कोई शादी वगैरह होती है, तो वो क्या होते हैं, सारे स्पेशल ओकेशंस होते हैं। दी मेंबर्स ऑफ दी फैमिली हु डू नॉट स्टे टूगेदर मीट ऑन फैमिली फंक्शंस। दी मेंबर्स ऑफ दी फैमिली हु डू नॉट स्टे, स्टे होता है रहना, टूगेदर इकट्ठे, मीट होता है मिलना, ऑन फैमिली फंक्शंस। जो परिवार के सदस्य हमारे साथ नहीं रहते, रह रहे होते हैं, वो हमें कब मिलते हैं, जब हम कोई फैमिली का फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दी बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, ए नेमिंग सेरेमनी, और हम क्या करते हैं घर में उसके नामकरण का जो फंक्शन करते हैं, उस फंक्शन क्या है, आपके सभी रिलेटिव्स आते हैं, जो आपके आपसे जो दूर रह रहे होते हैं। और बर्थडे, जब हम किसी का जन्मदिन करते हैं, घर में सेलिब्रेट करते हैं, मैरिज, विवाह होता है, फेस्टिवल एंड ए हाउस वार्मिंग सेरेमनी। हाउस वार्मिंग सेरेमनी क्या होती है, गृह प्रवेश, ठीक है। अगर मान लो आपने कोई नया घर डाला है और आप क्या है, आप अपने नए घर में जा रहे हो, उसके लिए आप कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, और उस फंक्शन में क्या है, आपके वो सारे रिलेटिव्स आते हैं जो आपके साथ नहीं रह रहे होते हैं, और क्या है, वो सारे रिलेटिव्स उस टाइम पे क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। सम ओकेशंस डैट ऑल फैमिली मेंबर्स सेलिब्रेट टूगेदर। और भी कई तरह के फंक्शंस होते हैं जो फैमिली मेंबर्स क्या है, सेलिब्रेट करते हैं इकट्ठे। समटाइम्स ग्रैंड पेरेंट्स नीड ए लिटिल हेल्प टू मैक्सीमाइज दी फन एंड मिनिमाइज दी स्ट्रेस। मैक्सीमाइज होता है अधिकतम, ज्यादा, फन होता है हंसी मजाक, एंड मिनिमाइज होता है किसी चीज को कम करना, स्ट्रेस क्या होता है, उतार चढ़ाव, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों की तरह ही हो जाते हैं, उनको भी क्या होती है, जरूरत होती है अपनी स्ट्रेस को कम करने की, और कई बार क्या है, उनको भी जरूरत होती है कि हम उनका भी क्या है मनोरंजन करें, उनके लिए क्या है हम कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करें, ताकि क्या है वो भी हैप्पी हो सके। स्पेशल फूड इज बींग प्रिपेयर्ड फॉर दी ओकेशंस। ओकेशंस होते हैं अवसर, स्पेशल होते हैं विशेष, फूड इज बींग प्रिपेयर्ड होता है तैयार करना, और जो ये फंक्शन होते हैं हमारे, इनमें क्या है हमारा विशेष प्रकार के, इनमें क्या है व्यंजन बनाए जाते हैं, कई तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जैसे जो हम नॉर्मल अपना भोजन करते हैं उस तरह का नहीं होता, जो ये फंक्शन होता है उनमें स्पेशल जो फूड है वो तैयार किया जाता है। वी आल्सो शेयर अवर जॉयज एंड सोरोज विद अवर रिलेटिव्स। शेयर होता है बांटना, जॉयज होती है खुशी, एंड सोरोज होते हैं दुख, ठीक है। और जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, अपनी खुशी भी हम उनके साथ शेयर करते हैं, और उनके साथ हम अपने दुख भी क्या है शेयर करते हैं। लर्निंग फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, लर्निंग होता है सीखना, फ्रॉम फैमिली किसके द्वारा सीखना, फैमिली से,
फैमिली मेंबर से, परिवार के सदस्यों से। ए फैमिली लर्निंग सपोर्ट्स पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स टू बी एन एक्टिव पार्ट ऑफ देयर चिल्ड्रंस लर्निंग एज वेल एज बिकमिंग लर्नर्स देमसेल्व्स। जो फैमिली होती है वो कैसी होती है, जिसमें हम क्या है बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और सिखाने वाला कौन होता है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, आपके दादा दादी होते हैं, एंड दी अदर फैमिली मेंबर्स। और कौन होता है, अदर फैमिली मेंबर्स होते हैं, जैसे आपके चाचा चाची हो गए, आपके भाई बहन हो गए, आपके कजन हो गए, ठीक है। टू बी एन एक्टिव पार्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन लर्निंग, और क्या है वो एक बहुत अच्छे ढंग से अपना जो पार्ट है वो आपको सिखाने में लगाते हैं। एज वेल एज बिकमिंग लर्नर्स, लर्नर्स क्या होता है, सिखाने वाला, देम सेल्फ, वो आपको तो सिखाते हैं और साथ में क्या है वो खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं आपको सिखाते हुए। इट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स होता है निकालना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज एंड टेक प्लेस इन लोकेशंस एज वेरियड एज स्कूल्स, चिल्ड्रन सेंटर्स, म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरीज। और जो सीखने की चीजें होती है, हम ये परिवार के अलावा क्या है और भी बहुत सारी लोकेशंस क्या होती है, जगह वेरियड होते कई प्रकार की, अलग 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 जगह से भी सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल से, चिल्ड्रन सेंटर से, म्यूजियम से एंड लाइब्रेरी से। वी लर्न ए लोट फ्रॉम अवर फैमिली मेंबर्स, और हम क्या है बहुत सारा कुछ सीखते हैं अपने परिवार के मेंबर से। सम ऑफ दीज आर, जिनमें से क्या है कुछ जो आपको ये बता रहे हैं, वी शेयर अवर प्रॉब्लम्स एंड हेल्प वन अनदर इन डिफिकल्ट टाइम्स। हम क्या करते हैं अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं अपने फैमिली मेंबर्स के क्या फैमिली मेंबर के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं वन अनदर इन डिफिकल्ट टाइम्स। और जब हमें कोई प्रॉब्लम्स होती है, या हमारा कोई डिफिकल्ट टाइम्स होता है, मुश्किल समय होता है, उसमें भी क्या है हम अपने फैमिली मेंबर की हेल्प लेते हैं। सेकेंड क्या है, वी लर्न गुड वैल्यूज फ्रॉम अवर फैमिली, और हम अपने परिवार के मेंबर से क्या सीखते हैं, गुड वैल्यूज सीखते हैं। गुड वैल्यूज मीन की गुड मैनर्स, कि कैसे हमने बाहर जाके बड़ों के साथ बात करनी है, हमने कैसे जाना है, कैसे खाना पीना है, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वी शेयर अवर जॉयज एंड सोरोज विद अवर रिलेटिव्स। जॉय क्या होती है, खुशी, सोरोज दुख। हम क्या है अपने फैमिली मेंबर के साथ अपने दुख सुख भी क्या करते हैं, शेयर करते हैं। वी लर्न टू शेयर अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद अवर पेरेंट्स, और हम क्या सीखते हैं अपने परिवार के मेंबर से, कि कैसे हमने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, जिम्मेवारी, कि कैसे हमने उनको निभाना है। ये हम कहाँ से सीखते हैं, अपने फैमिली मेंबर से सीखते हैं। वी लर्न टू लिव इन पीस एंड हार्मनी एवरीवेयर, और हम क्या सीखते हैं अपने फैमिली मेंबर से, कि अपने फैमिली मेंबर में हमने शांतिपूर्ण क्या है, पीस क्या होता है, शांतिपूर्वक रहना, ठीक है। हार्मनी क्या होता है, सामंजस्य स्थापित करना, एक दूसरे के साथ क्या है कोऑर्डिनेशन करके क्या है हमने रहना है। टेकिंग डिसीजन इन द फैमिली, डिसीजन क्या होता है, निर्णय लेना इन द फैमिली, कि कैसे हमने फैमिली में कैसे हम निर्णय लेते हैं, ये भी हम कहाँ पे सीखते हैं, अपने फैमिली मेंबर में ही सीखते हैं, उनसे ही हम सीखते हैं। द फैमिली ग्रुप डिसीजन मेकिंग सर्विस ऑफर्स मीटिंग्स इन्वॉल्विंग द एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ ए चाइल्ड। क्या है जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, जिसमें फैमिली जो ग्रुप होता है, उसमें क्या है हम अपने कोई भी डिसीजन है, कोई भी हम जो निर्णय है, चाहे वो हमारे मीटिंग से रिलेटिव हो, किसी से भी रिलेटिव हो, वो सारे जो हम निर्णय है वो भी हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं, अपने फैमिली मेंबर के साथ ही डिस्कस करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फैमिली ग्रुप डिस्कशन, इसको हम क्या है? फैमिली ग्रुप डिस्कशन क्या है, हम इसको पारिवारिक डिस्कशन भी बोल सकते हैं। द फैमिली मीटिंग्स कैन हेल्प ए चाइल्ड हु इज हैविंग डिफिकल्टीज बाई ब्रिंगिंग दी फैमिली टूगैदर टू मेक प्लान एंड सपोर्टिंग दोज लुकिंग आफ्टर दैम। जो फैमिली मीटिंग्स होती है वो कैसे हेल्प करती हैं परिवार के सदस्यों को, अगर मान लो उन्होंने अपनी कोई सेपरेट फैमिली बनानी है, ब्रिंगिंग दी फैमिली, ब्रिंगिंग क्या होता है बनाना, अगर उन्होंने अपने अलग तरीके से रहना हो, तो वो क्या किसके साथ डिस्कस करते हैं, अपने घर के मेंबर के साथ डिस्कस करते हैं। और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, सपोर्टिंग क्या होता है, उनका साथ देना, ठीक है, और उनको क्या है वो उनका साथ देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं कि कैसे क्या है वो अपना डिसीजन ले। फॉर एग्जाम्पल कर्न्स फादर प्लान टू बाय ए कार, कर्न है कोई लड़का, वो क्या है उसके जो फादर है वो प्लान कर रहे हैं किसका, कार लेने का, खरीदने का, बाय क्या होता है खरीदना। ही स्पोक टू कर्न्स मदर अबाउट इट, और उसने इसको इसके बारे में किसको बोला, कर्न की माता को बोला। बोथ पेरेंट्स हैव बीन थिंकिंग अबाउट हाउ टू पे फॉर द कार, बोथ होता है दोनों ही पेरेंट्स, दोनों मतलब कि कौन, माता पिता, दोनों ही क्या सोच रहे थे, थिंकिंग क्या होता है सोचना, अबाउट के बारे में, हाउ कैसे, टू पे
फॉर द कार की, कैसे जो कार के लिए हमने पैसे कहाँ से निकालने हैं, कैसे खरीदनी है कार, इसके बारे में क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं। दे डिसाइडेड टू कंसल्ट विद देयर फैमिली मेंबर्स, और फिर उनको क्या फील हुआ कि हमें क्या है अपने फैमिली मेंबर्स से क्या है, कंसल्ट क्या होता है सलाह लेना, डिसाइडेड होता है निर्णय लेना, हमें किसके साथ डिसाइड करना चाहिए, किसके साथ हमें किससे सलाह लेनी चाहिए, अपनी फैमिली के साथ हमें क्या है डिस्कस करनी चाहिए इसके बारे में। वंस दे टॉक्ड टू देयर फैमिली मेंबर्स इट बिकम इजियर फॉर देम टू मेक ए डिसीजन, टेक ए डिसीजन। वंस एक बार जब उन्होंने टॉक क्या होती है बात करना, टॉक्ड टू देयर फैमिली किसके साथ उन्होंने बात की अपनी फैमिली मेंबर से, इट बिकेम इजियर, इजियर होता है आसान होना, जब उन्होंने अपने फैमिली मेंबर से बात की अपनी, उन्होंने बताया अपने कार लेने के बारे में, तो क्या है उनके लिए कार खरीदना आसान हो गया, उनको क्या है डिसीजन लेना आसान हो गया। ठीक है, फैमिली वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस, फैमिली वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस क्या होती है हमारी परंपराएं। ठीक है, फैमिली ट्रेडिशन क्रिएट गुड फीलिंग्स एंड स्पेशल मोमेंट टू रिमेंबर, जो हमारी परंपराएं होती हैं वो क्या है एक हमारे लिए स्पेशल फीलिंग्स होती हैं, स्पेशल मोमेंट होती है हमारे लिए, कुछ ऐसी भी हमारे मतलब कि जो हमारी लाइफ में ऐसी भी मोमेंट्स होती है जिनको क्या है हम हमेशा याद करते हैं, रिमेम्बर क्या होता है याद करना। दे आर फन थिंग टू डू, वो कैसी हो सकती हैं, फन से रिलेटिव हो सकती हैं, हंसी मजाक वाली हो सकती हैं। इंजॉइनिंग दिस टाइम टूगेदर एज ए फैमिली विल क्रिएट पॉजिटिव इमोशंस इन ईच मेंबर, जब हम अपने इंजॉइनिंग क्या होता है, इंजॉइंग होता है आनंद लेना, आनंद मनाना, खुशी महसूस करना। दिस टाइम टूगेदर, टूगेदर क्या होता है जब हम एक साथ इकट्ठे रहते हैं, एज ए फैमिली विल क्रिएट पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव क्या होता है अच्छी सोच रखना, इमोशंस क्या होते हैं हमारे संवेग जो हमारी भावनाएं होती है, इन ईच मेंबर हर प्रत्येक सदस्य के साथ। दीज आर दी मेमरीज डैट विल लास्ट ए लाइफ टाइम, और जो मेमरीज क्या होती है हमारी यादगार, जो और ये सारी क्या है हमारी यादगार होती है, कि कैसे अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है और आप उस फंक्शन को अच्छे ढंग से इंजॉय करते हो, फिर क्या है वो आपके लिए एक मेमरी बन जाती है कि हमारे घर में ये फंक्शन हुआ था और हमने क्या है उस फंक्शन को इतने ढंग से क्या है इंजॉय किया था, और वो जो मेमरीज है आपके लिए लाइफ टाइम के लिए बन जाती है। ए स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट क्रिएट ए सेफ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव प्लेस फॉर ऑल मेंबर्स टू थ्राइव, जो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली मतलब कि जिस फैमिली में मतलब कि सभी जो मेंबर्स होते हैं कोऑर्डिनेशन से चलते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, मतलब कि एक दूसरे का साथ देते हैं, सभी एक दूसरे की इमोशंस को समझते हैं, वो जो फैमिली मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं एक सपोर्टिव फैमिली मेंबर होते हैं। ए फैमिली शुड सपोर्ट एंड नरिश ईच मेंबर ऑफ द फैमिली विदाउट जजमेंट वाइल यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सेस एंड लिविंग टूगेदर हैप्पीली, यूटिलाइजिंग होता है किसी चीज का उपयोग करना, रिसोर्सेज क्या होते हैं जो हमारी घर की चीजें होती है, कि कैसे हम घर में कैसे हमने एडजस्ट करके रहना है, कैसे हमने एक दूसरे के साथ क्या है कैसा जो हमारा बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए। नरिश नरिश क्या होता है पालन पोषण करना, कि जो फैमिली मेंबर है वो कैसे अपने परिवार के मेंबर के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन करके रहते हैं, मतलब कि प्यार से रहना, खुशी से रहना, और जो ऐसे फैमिली मेंबर होते हैं वो कैसे रहते हैं टुगेदर हैप्पीली, वो बहुत अच्छे खुशी से क्या है एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं। वेन रेजिंग ए चाइल्ड वन इज टोट वैल्यूज बाय देयर फैमिलीज डेट दे फील आर इम्पोर्टेंट फॉर देयर चाइल्ड टू हैव, रेजिंग ए चाइल्ड मतलब कि जब एक जो चाइल्ड का एक बच्चे का जो जन्म होता है उसको क्या है जो सिखाया जाता है वो कहाँ पे सिखाया जाता है, फैमिली मेंबर ही उसको क्या है सिखाते हैं, पेरेंट्स है वो ही उनको क्या है सिखाते हैं, उनका जो रोल होता है बच्चे की लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़िया होता है, जो वैल्यूज है वो बच्चा कहाँ से सीखता है अपनी फैमिली मेंबर से ही सीखता है। ट्रेडिशनल वैल्यूज डैट आर इम्पोर्टेंट इन द फैमिली आर ओनेस्टी, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज होती है वो एक बच्चे के लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती हैं, और जो वो बच्चा कहाँ से सीखता है परिवार के मेंबर से सीखता है, वो जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है वो कौन कौन सी हैं, ओनेस्टी, ओनेस्टी क्या होती है ईमानदारी, ईमानदारी मतलब कि आप किसी के साथ क्या है किसी प्रकार की कोई चोरी ना करे, चालाकी ना करे, ठीक है, किसी को धोखा ना देना, उस चीज को हम क्या बोलते हैं ऑनेस्टी बोलते हैं। ट्रस्ट क्या होता है विश्वास करना, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना ताकि क्या है कोई आप पे क्या है ट्रस्ट कर सके। एंड टू हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, रिस्पेक्ट होता है सम्मान करना, और क्या है हमें दूसरों को क्या है सम्मान करना चाहिए, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, हमारे टीचर्स हो, एंड अदर फैमिली मेंबर्स हो, कोई आपका रिलेटिव्स हो, आपको क्या है उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए,
वो कहते हैं ना, गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो आपको भी क्या ही रिस्पेक्ट ही मिलेगी, अगर आप किसी को बुरा बोलते हो तो आपको भी क्या ही वैसा ही जवाब मिलेगा। ठीक है, तो आज हमने इस लेसन के बारे में अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के फैमिली मेम्बर्स के बारे में पढ़ा। आई विश यू विल रीड दिस लेसन वेरी इंटरेस्टिंग वे एंड यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस लेसन। थैंक यू।